के एनुअल डे में यहाँ विशेष रूप से उपस्थित बिशप रेवरेंड जूलियस मरांडी जी, फादर प्रोविंसियल, सभी फादर्स, सभी सिस्टर्स, नगर परिषद से आए हमारे आद्य समिता रक्षित जी, एसपी कॉलेज से आए प्रोफेसर अंजुला मोर्मो जी, इस कॉलेज के सभी स्टाफ, इस कॉलेज के प्रिंसिपल, टीचर्स एंड स्टाफ, सभी स्टूडेंट्स, मीडिया के दोस्तों, आज जेवियर कॉलेज में आके और आपके बीच अपने आप को पाके अपने आप को हम गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। और इस एनुअल डे में आप सभी को हम बहुत बधाई देते हैं, बहुत शुभकामना देते हैं। जेवियर स्कूल, जेवियर कॉलेज, नाम सुनने से ही ऐसा लगता है शायद हमें भी काश ऐसे स्कूलों में या ऐसे कॉलेजों में पढ़ने का अवसर मिलता। जिन बच्चों को इस कॉलेज के माध्यम से शिक्षा मिल रही है, बिल्कुल आप बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि आपको जेवियर जैसे कॉलेज में आप पढ़ाई कर रहे हैं और आप यहाँ शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। और हम कह सकते हैं कि हर तरह का शिक्षा आपको यहाँ पर मिल रहा है। अभी आपने अपना स्टेज परफॉर्मेंस हम लोगों को दिखाया, हर तरह का परफॉर्मेंस, और आपके परफॉर्मेंस से ऐसा ही लगता है कि आप अपने कॉलेजों में ना सिर्फ पढ़ाई के कर रहे हैं बल्कि ओवरऑल जो एक समाज में होता है एक एक चीज़ों का ज्ञान आपको यहाँ पर मिल रहा है। क्वालिटी एजुकेशन की जब हम बात करते हैं तो सरकार इस पर बहुत फोकस की हुई है कि क्वालिटी एजुकेशन के बिना आज शिक्षा कहीं ना कहीं पीछे रह जाएगा, क्योंकि देश बहुत आगे बढ़ रहा है और बहुत स्पीड से आगे बढ़ रहा है। उस गति को पकड़ने के लिए, उस रफ्तार को पकड़ने के लिए हमें भी वहाँ पर अपने आप को पाना होगा। और इसीलिए हम जेवियर कॉलेज को या इस संगठन को हम आभार व्यक्त करते हैं कि दुमका जैसे छोटे शहर में जेवियर जैसे कॉलेज का आप लोगों ने स्थापित किया है। शुरुआत के दिनों की अगर हम याद करें तो कॉलेज का स्थापना कितना मुश्किल से हुआ, कई कठिनाई सामने आई, लेकिन आखिरकार कॉलेज स्थापित हो गया और पूरे संताल परगना के बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं। दुमका को लाभ ले ही रहे हैं लेकिन पूरे संताल परगना के बच्चे यहाँ लाभ ले रहे हैं। पहले देखा जाता था रांची जैसे जगह या पटना जैसे जगह में हमारे बच्चों को जाके पढ़ना पड़ता था, आज भी वहाँ बच्चे जाते हैं, लेकिन जो वहाँ नहीं जाना चाहते अपने घर में रह के अपने पेरेंट्स के साथ रह के पढ़ना चाहते हैं, वो इसी जगह अपना पढ़ाई कर रहे हैं। हम आपसे आपको ये कहना चाहते हैं कि आप जिस लाइन में आगे बढ़ना चाहते हैं बच्चों को उसी लाइन में आगे बढ़ना चाहिए। हम इसलिए इस बातों को बोल रहे हैं, अभी हमने आपका परफॉर्मेंस देखा, कोई बहुत अच्छा एंकर करता है तो कोई बहुत अच्छा पढ़ता है तो कोई बहुत अच्छा गाता भी है या फिर कोई बहुत अच्छा एक्टर भी है। तो हम इसलिए आपको बोल रहे हैं बच्चे, जिस लाइन में आप बढ़ना चाहते हो या आपका इंटरेस्ट जिस लाइन में है आपको उसी लाइन में आगे बढ़ना चाहिए। सरकार आपको बहुत मदद करती है, बहुत सहयोग करती है। हम जिन बच्चों को हम आर्थिक स्थिति अगर हम देखें BPL भी कह सकते हैं या फिर लक्षित वर्ग हम कह सकते हैं, सरकार वैसे लोगों को स्कॉलरशिप देती है। हमें नहीं मालूम इस कॉलेज के बच्चों को स्कॉलरशिप मिलता है कि नहीं मिलता है, वैसे झारखंड के एक एक कॉलेजों को स्कॉलरशिप मिलता है। अगर कल्याण पोर्टल में आपका कॉलेज होगा
रजिस्टर्ड होगा, एंट्री होगा, तो निश्चित रूप से इस कॉलेज के बच्चों को भी स्कॉलरशिप मिलता होगा या मिलेगा। हम आगे बढ़ने की बात बोल रहे हैं, इसीलिए हम आपको रास्ता बता रहे हैं। यहाँ से निकलने के बाद या फिर कोई टेक्निकल साइड अगर आप आगे जाते हो, मेडिकल साइड जाते हो, इंजीनियरिंग साइड जाते हो या फिर कोई टेक्निकल साइड जाते हो, पैसे की अभाव है तो फिर मुख्यमंत्री फेलोशिप आप ज्वाइन कर सकते हैं। हम लोगों ने माननीय रघुवर जी के सरकार में मुख्यमंत्री फेलोशिप गठन हुआ है और उसमें अप्लाई करके आप आगे की पढ़ाई को आप पढ़ सकते हैं ताकि आप अपना करियर बना सके। आपको हम याद दिलाना चाहेंगे, पिछले 2017 का फरवरी महीना में झारखंड में मोमेंटम झारखंड हुआ था और देश विदेशों से कई सौ 600-700 कंपनी यहाँ पर आई और अपना इन्वेस्टमेंट करने के लिए झारखंड सरकार से एमओयू किया और आज वो एमओयू सर जमीन पर देखते हुए सरकार को, सरकार का एक प्रतिनिधि होने के नाते हमें भी खुशी है कि झारखंड सरकार किस ओर आगे बढ़ रही है। मैं आपको इशारा करना चाहती हूँ, कल मैं रांची थी, यह जो आज का कार्यक्रम था कल होने वाला था, प्रोविंशियल फादर हमारे पास गए थे, फादर स्टेफन हमारे पास गए थे, हमने उनसे आग्रह किया क्योंकि सरकार का यह बहुत बड़ा कार्यक्रम है और हम उसे छोड़ नहीं सकते, हम लोगों के लिए कंपलसरी कर दिया गया है और कल हम वहां पर थे और ये था स्किल समिट 2018। हमें बताते हुए खुशी होगी कि पहली बार सरकार ने, किसी भी देश में ऐसा नहीं हुआ है और ये एक ऐतिहासिक निर्णय हुआ है और ऐतिहासिक काम हुआ है कि स्किल समिट 2018 माननीय मुख्यमंत्री रघुवर दास जी ने कराया है और इसमें 27,892 बच्चों को, विद्यार्थियों को सीधा सीधा जॉब मिला। हम लोगों ने नियुक्ति पत्र बांटा 27,892। हम बताना चाहेंगे बहुत सारे उस समिट में देश के और विदेशों से कई कई कंपनी आए जो प्लेसमेंट करते हुए उनको अपने यहाँ ले गए, वो देश राज्य का भी है, देश का भी है और विदेश का भी है। आपको हम बताना चाहते हैं कल एक बच्चा को हम लोगों ने नियुक्ति पत्र दिया जो दुबई गया, एक बच्चा जो वो कल्याण गुरुकुल के माध्यम से सिलेक्शन हुआ है और वो दुबई गया अपने जॉब के लिए। कल के समिट में ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड जैसे जगह से, देश से, सिंगापुर जैसे शहर से हमारे इस समिट में भाग लिए और इस झारखंड में वो अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और झारखंड सरकार का जो पॉलिसी है वो उससे खुश होके वो अपना इन्वेस्टमेंट यहाँ करना चाह रहे हैं और झारखंड कैसे आगे प्रगति करे ये झारखंड सरकार को वो सहयोग कर रहे हैं क्योंकि झारखंड में मैन पावर की कमी नहीं है, विजन की कमी थी, आज तक विजन की कमी देखी गई जिसके चलते बेरोजगारी इतना ज्यादा बढ़ गया है। लेकिन सरकार, चाहे भारत सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, अभी प्रयास कर रहा है कि किस तरह से हमारे स्टूडेंट्स को हम रोजगार से जोड़ा जाए। हमें पता है कि हर एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी नहीं दिया जा सकता है, हर एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी नहीं दिया जा सकता है, बल्कि हर एक व्यक्ति को रोजगार से जोड़ा जा सकता है। काम कोई भी छोटा और बड़ा नहीं होता, इसीलिए हमने कहा आपका जिस भी लाइन में आपका इंटरेस्ट हो, जिनके भी हाथ में जो हुनर हो उसे तराशने की आवश्यकता है और सरकार उस पर अमल कर रही है, उस पर पहल कर रही है। फिल्मी इंडस्ट्री से भी लोग आए थे, सुभाष घई का नाम हम सभी ने सुना होगा, सुने हैं ना, सुने हैं कि नहीं सुने हैं, सुने हैं। आप वो भी झारखंड ने जो फिल्म नीति बनाई है उस अनुसार वो उन लोगों के माध्यम से भी झारखंड में फिल्म स्कूल या आर्टिस्ट के लिए स्कूल जो यहाँ खोला जा रहा है
और सभी बच्चे उस पर जो उस पर इंटरेस्ट रखते हो, हमने अभी आपका जो परफॉर्मेंस देखा है उस आधार से भी हम बोल रहे हैं कि जो भी बच्चे जिस लाइन में आगे बढ़ना चाहते हैं उसमें आगे बढ़ सकते हैं। झारखंड सरकार बहुत तरह का काम कर रही है एजुकेशन से संबंधित या फिर डेवलपमेंट से संबंधित। झारखंड में आजादी के बाद से यहाँ पर मात्र झारखंड में बहुत कम यूनिवर्सिटी था और झारखंड में तो झारखंड बनने के बाद मात्र 3 यूनिवर्सिटी था। अभी हम लोगों ने इन तीन साल में 6 यूनिवर्सिटी और बनाने का काम किया है। तो जब तक हम शिक्षा को आगे नहीं बढ़ाएंगे, यूनिवर्सिटी को नहीं खोलेंगे, कॉलेजों को नहीं खोलेंगे, तो हमारे बच्चे निश्चित रूप से पलायन करेंगे, हमारा प्रतिभा भी पलायन होगा। तो इसीलिए सरकार जो पॉलिसी बनाती है आम जनता के लिए पॉलिसी बनाती है और उस पॉलिसी को समझ के अपने समाज में कैसे हम इम्प्लीमेंट करें उसके लिए ऐसे कॉलेजों का काम है, ऐसे कॉलेज में प्रोफेसरों का काम है, ऐसे कॉलेज में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स का काम है कि जो बच्चे या जो गांव में रहते हैं उन्हें भी बताने की आवश्यकता है कि सरकार इस तरह से पॉलिसी लाई है और हमें उसका लाभ लेना चाहिए।